हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो भाई आपका भाई उठ गया और आज बहुत ही ज़्यादा लेट उठा और किसी ने आज उठाया नहीं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये देखो, बैठक में लेटा था, बैठक में उसकी मम्मी ने बोल दिया अंदर लेट जाओ कि मैं अंदर लेट गया जाके, बट आज किसी ने मेरे को उठाया नहीं, ना पापा ने ना मम्मी ने। बहुत चैन से सोया हूँ मैं, 9 बजे के बाद उठाऊँ, ठीक है भाई। बाकी आज जन्माष्टमी, तो सभी लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी। और भाई आज आपके भाई का फास्ट भी है, अभी मैंने टी पी है। बकाया मम्मी बोली नहाओ, पूजा वगैरह करो। मैंने मैं अभी नहाऊंगा नहीं, तो बोले तब तक कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा मतलब कि जब तक नहाओगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं खाओगे, मतलब न फल वगैरह कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा वो ठीक है, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो अब भाई जब मैं नहाऊंगा उसके बाद ही मेरे को कुछ भी खाने को मिलेगा। बाकी आज पूरा डे फास्ट रहेगा, रात को 12 बजे तक, ठीक है। उसके बाद ही खाना वगैरह खा सकते हैं, तब तक ऐसे ही फलार वगैरह कर सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हो, मिठाई खा सकते हो, मेवा वगैरह जो घर पे बनी है, और दूध वगैरह, आलू, ऐसे ही बस इतना खा सकते हैं। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ शॉप पे, केवल चाय पी हुई है और अभी शॉप पे जाएंगे और थोड़ी देर बाद आएंगे शॉप से। उसके बाद नहाएंगे, पूजा वगैरह करेंगे, तभी तभी कुछ खाएंगे। भाई मैं शॉप से अभी घर पे आ चुका हूँ और अब नहाने जा रहा था, बट मम्मी बोल रही कि पहले इन दोनों को घुमा के लाओ, सुबह से गए नहीं। और देखो यहीं पे लेटे, मतलब हम लोग यहीं पे लेटे थे, मैं लेटा था, यहाँ पे पापा थे और ये दोनों भी यहीं लेटे। तो भाई इनको घुमा देते हैं क्योंकि सुबह से एक भी बार घूमने नहीं गए हैं, तो इनको फटाफट घुमाते हैं तब तक पापा नहा ले, उसके बाद फिर मैं नहाऊँगा। बाकी टाइम हो गया, 1 बजने में 15 मिनट कम है, तो फटाफट नहाएंगे इनको घुमाने के बाद। और भूख भी लग रही है, तो कुछ पूजा वगैरह करके खाना भी है। तो भाई चिंकी चेरी को घुमाने के बाद मैंने नहा लिया और अभी पूजा कर ली, रेडी हो गया और बहुत तेज़ भूख लग रही है। बाकी आलू तल दिए गए हैं, ये देखो रखे हुए हैं ये भाई, मतलब टमाटर वगैरह डाल के आलू को तल दिया गया, उसमें लाहौरी नमक डाला गया जो व्रत में खाया जा सकता है। तो भाई इसको भी चाय से खा लेते हैं क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है। और टाइम पता कितना हो गया, 2 बजने 11, 2 बजने में 10 मिनट कम है, तब मैं खाने जा रहा हूँ। सुबह से केवल चाय पिए हुए हूँ, वैसे चाय के साथ में नाश्ता वगैरह हो गया था, ब्रेकफास्ट कर लेते तो भूख नहीं लगती जल्दी। खाना तो डेली इतने टाइम खा रहे, बट आज तो ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ, सिर्फ चाय पी थी। तो ये फटाफट पहले मैं अब खाता हूँ और उसके बाद रेक्सी को खाना दूंगा। तो भाई खाने के लिए ये चीज़ें मिली हैं, ये जो आलू तले गए ना टमाटर वगैरह डाल के, वो साबूदाना की खीर और इधर बनाना। तो भाई इतना सब खाना है, पापा भी खा रहे, पापा का भी फास्ट, दीदी भी खा रही है। और इसमें भाई देखो चाय देखो कितने बड़े ग्लास में दी गई है, छोटे वाले ग्लास पता नहीं कहाँ गए। मम्मी कह रही आज ब्रत इसलिए कुक, इस ग्लास में चाय, बस किट्टू पानी लेके आ गई और पूरा घर आज फास्ट रखे हुए है। तो भाई फटाफट अब खाते हैं। तो भाई उस टाइम पे खीर वगैरह खा के मैं कर रहा था रेस्ट, तब तक दीदी ने काम बता दिया, इसका कुछ हेयर का आने को था दवाई वगैरह, तो वो मैं लेने के लिए चला गया। फिर मैं वहीं से थोड़ी देर के लिए शॉप पे चला गया, जस्ट अभी घर पे आया हूँ। और अब भाई सोच रहे हैं कि रात को पूजा करने के लिए मंदिर में थोड़ा सेटअप कर लें, डेकोरेशन वगैरह कर लें। अभी तो बिल्कुल ऐसा ही सादा है कि लाइट वगैरह जल रही है, देख रहे हो, तो यहाँ पे सोच रहे हैं कि थोड़ी व्यवस्था कर ली जाए। उतने टाइम मम्मी ने बोला था, बट मैं नहा के लेट गया था, तब तक फिर दीदी ने काम बोल दिया, तो मैं चला गया। भाई अभी मैंने किट्टू से बोला, किट्टू बोली घर पे रुके हो थोड़ी भी देर, मैंने कहा बात तो सही है बट कोई दिक्कत नहीं, हम सोच रहे रात में 12 बजे तक तो भाई जागना ही है, 12 बजे जब वो होगा तो अभी ये जो काम है इसे कंप्लीट करेंगे। भाई मैं गया हुआ था अभी गाय का दूध लेने के लिए, पंचामृत बनेगा उसके लिए, और किट्टू अभी पंजीरी बना रही है, और मैंने चिंकी चेरी को खाना दे दिया। अभी रेक्सी को लेने जा रहा हूँ ऊपर से, तो रेक्सी को लेके आते हैं, उसको घुमाते हैं और उसको खाना देते हैं, और फिर थोड़ी बहुत डेकोरेशन करेंगे रात में, क्योंकि जागना है तो तभी डेकोरेशन वगैरह करेंगे। बाकी अभी रेक्सी को ले आए ऊपर से। तो भाई रेक्सी को घुमाया मैं और इनको खाना दे दिया, ये देखो खाना खा रही हैं और अंदर पंजीरी बन चुकी है, तो वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। भाई ये बन चुकी है पंजीरी पूजा के लिए, तो अभी इसी का भोग लगाया जाएगा आज। बाकी अभी मंदिर देख लो, मंदिर अभी ऐसा ही है, तो मैं चिंकी चेरी को घुमा के फ्री हो जाऊँ, उसके बाद फिर मंदिर को यहाँ पे थोड़ा डेकोरेट करेंगे, कन्हैया जी के लिए खिलौना वगैरह रखेंगे, रात में जागना ही होता है, तो इस वजह से हमने कहा रात में इसको थोड़ा बहुत डेकोरेट कर लेंगे, बाकी ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत ही करेंगे, बाकी अच्छा लगने लगेगा। अभी डेकोरेट करेंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। भाई मैं ऊपर था, चिंकी चेरी को लेके गया था, अभी आया हूँ। बाकी किट्टू ने ये डेकोरेशन के लिए निकाल के रखी है चीज़ें, बैलून वगैरह और ये झालर वगैरह, तो पहले कुछ खा लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि भूख सी लग रही है। आज सुबह से रोटी वगैरह तो कुछ खाई नहीं है फास्ट की वजह से, तो थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, दूध वगैरह ले लेते हैं और फिर करते हैं ये डेकोरेशन। उतने टाइम गए थे ना, तब थोड़ा खा गए थे मेवा वगैरह, बाकी अभी थोड़ा और खा लेते हैं, फिर डेकोरेशन करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो भाई
नाश्ता वगैरह कर लिया, मेवा खा ली, दूध पी लिया एक बार फिर से, और अभी आ गए हैं पूजा वाले कमरे में। ठीक है, तो अब इसको भाई डेकोरेट करना है। बाकी किट्टू बोल रहे कि मैंने पनीरी बताई बनाई वो भी बता दें। भाई किट्टू ने पनीरी बनाई वो इसमें रखी, मैं आप लोगों को पहले ही दिखा चुका हूँ। बाकी मेवा वगैरह कट करके रखी गई पंचामृत के लिए, पंचामृत बनाया जाएगा थोड़ी देर बाद, बट अभी करना है इसको डेकोरेट, तो थोड़ा अच्छे से इसको डेकोरेट कर देते हैं। तो भाई डेकोरेशन स्टार्ट कर दी है, और अभी ये जो लाइट थी ना हटी हुई तो इसको अभी लगा दिया है, वहां से इधर यहाँ तक कर दिया। पहले इसको ऊपर ही रखी थी, बट अभी मंदिर के साइड में कर दिए पूरे में, और अब ये देखने में भी अच्छी लग रही है। तो भाई लाइट चली गई और इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, इसका फैन भी नहीं चल पा रहा है क्योंकि इन्वर्टर से बहुत ज्यादा लोड लेता है। यहाँ पे जो रूम में पंखा लगा हुआ है, अभी इतनी डेकोरेशन हो गई है, इधर लाइट हो गई थी और थोड़े ये लगा लिए हैं अभी और लगा रहे हैं अभी, अभी एक बीच में लग पाई तो थोड़ी और लगा देते हैं जिससे थोड़ा और अच्छा लगने लगे। तो भाई दीवार पे जो कुछ लगाना था वो लग चुका है, बैलून वगैरह है क्या? बैलून चेक कर लो, अगर हो तो बैलून भी लगा दें थोड़े बहुत, जो जगह खाली है इसमें बैलून लगा देंगे, तो ये बैलून के लिए ही जगह खाली रखी है थोड़ी सी, तो इसमें बीच बीच में बैलून लग जाएंगे। और बाकी यहाँ पे रहेगा पालना, तो अभी इसको भी करते, बाकी अभी ये लग रहा होगा ना अजीब सा थोड़ा आधा अधूरा सा, बट अगर ध्यान से देखोगे तो एकदम ये जेल लग रही होगी जिसमें से वसुदेव जी आएंगे, बट वो तो बनाया ऐसे भाई लगाए है। अभी किट्टू देख ले बैलून्स हैं तो बैलून लगा देते हैं। भाई बैलून्स भी आ गए हैं, किट्टू को मिल गए बैलून्स, फिट हुए, बहुत सारे बैलून है, बहुत सारे बैलून है, और ऐसे भाई फुलाना भी स्टार्ट करते हैं। भाई फटाफट बैलून्स लगाते हैं और ये रखते हैं भाई, सच में बहुत सारे हैं, तो अच्छे से थोड़ा बैलून भी लगा देते हैं। झालर वगैरह और बैलून वगैरह हो गए थे कंप्लीट, बाकी अभी किट्टू बना रही है रंगोली, तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वो भी किट्टू रंगोली बना रही है, हमेशा दीदी बनाती थी, आज किट्टू बना रही है, ताज्जुब की बात है भाई। ये देखो भाई ये बना रही किट्टू रंगोली, मैं तो चक्कर में पड़ा था ये बना क्या रही, कैसी रंगोली है, फिर ये देखा मैंने फोन रखे हुए है, तो भाई ये बनाई जा रही है रंगोली, अब देखते हैं कैसी बनती है। किट्टू कह रही है कि ऐसा मत करना कि बनाया दिखा कुछ दिया बनाया कुछ है, तो मतलब एक्सपेक्टेशन वाला वीडियो मत डालना, मेरे कोई दिक्कत नहीं, तुम बनाओ पहले देखते हैं कैसा बनता है। तो अभी इनको ऐसी बनानी है, देखते हैं ऐसी बनती है या नहीं बनती है। बाकी भाई ये लगाए थे बैलून वगैरह, तो ये देख लो कैसा लग रहा है, अब यहाँ से देखो सीधा बाहर से, अब अच्छा लग रहा ना। बाकी एक चीज़ बैलून पे नोटिस करो, लाइट जल रही ना मंदिर वाली, तो बैलून पे कितना अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है बैलून में अंदर कुछ लाइट जल रही है, ये देखो, और हाफ हाफ हार्ट बने हुए हैं ये समझ लो आप, मतलब यहाँ से ये लाइट जाती है ऐसे करके, ऐसे आके ऐसे, तो अच्छा लग रहा है भाई, अब देखने में अच्छा लगने लगा, मेरे को लगा कहीं अजीब ना लगे, बट देखने में अच्छा लग रहा है। बस इतनी डेकोरेशन है, बाकी यहाँ पे भी कन्हैया जी वगैरह की जो भी मूर्ति वगैरह ना वो सब लगा देंगे, अभी देख रहे हो कैसा सब फैला हुआ है, तो यहाँ पे भी वही सेट करना है सब। भाई रंगोली रेडी हो चुकी है और मैं ये बोर्ड लेके आया हूँ लगाने के लिए, कन्हैया जी का जो पालना है वो मतलब उसका प्लग लग जाए, और जो मंदिर वाली लाइट है उसका प्लग लग जाए, मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी मूर्ति वगैरह ले आया हूँ, वो मूर्ति वगैरह भी रखती है, बैठक बिल्कुल खाली होगी, पूरी बैठक में मूर्तियाँ रखी थी, जो बैठक वाली अलमारी है वो बिल्कुल खाली हो चुकी है, और भाई सिर्फ 6 मिनट बचे हुए हैं 12 बजने में, तो फटाफट ये रेडी कर लेते हैं, अब 6 मिनट बाद भाई पूजा होगी, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देख लो सब रेडी हो चुका, सारी मूर्तियाँ वगैरह रख चुकी हैं, देख रहे हो कन्हैया जी का ये वाला पालना रेडी हो गया, लाइट वगैरह लगा दी, वो वाली भी लाइट चल रही है। बाकी ये रहे अपने कन्हैया जी जो न्यू वाले हैं, बकाया अपने ये पुराने वाले हैं उनका भी पालना हो रहा, और ये किट्टू ने रंगोली बनाई है। बाकी अभी ये पूजा की तैयारी हो रही है, तो 12 बज गए हैं, अब फटाफट पूजा करते हैं भाई, लेट नहीं करते क्योंकि टाइम हो गया है। बाकी एक बार बता देना कैसा लग रहा है हमारे यहाँ पे, बहुत मेरे को तो भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी कन्हैया जी का अभिषेक होने लगा है और किट्टू कर रही है, बाकी ये देख लो ये कन्हैया जी आज वाले आए हैं, जन्म होता है बांसुरी बाज रही राम भजन पर अब भाई गंगा जल से नहलाया जा रहा है कन्हैया जी को, और भाई नहलाने के बाद इनको कपड़े पहनाए जाएंगे और फिर इनको झूले में रखा जाएगा, और झूले में रखना जरूरी होता है, तो भाई पहले अभिषेक वगैरह होता है उसके बाद कपड़े वगैरह पहना के तब रखा जाता है इनको झूले में। ये दीदी
पहना रही थी बट इसकी मेहंदी खराब हुई जा रही थी, इसलिए अभी पापा जी पहना रहे हैं। और ये रहे अपने छोटे वाले कन्हैया जी, तो अभी इनका आपसे हो रहा है, पहले बड़े वाले कन्हैया जी का हुआ, अभी छोटे वालों का हो रहा है। मतलब है तो दोनों ही छोटे, बस साइज में थोड़े छोटे बड़े हैं। बाकी ये देख लो भाई कितने प्यारे हैं कन्हैया जी, दोनों अपने पालने में बैठा दिए गए हैं, ये देख रहे हो। अब भाई मेवा से भोग लगाया जाएगा और पंजीरी वगैरह से और रोशना किया जाएगा, जो कि दीदी और किट्टू अभी कर रहे हैं। ये देखो भाई फल वगैरह और रोशना हो गए इनका और भोग लगेगा। और भाई ये किट्टू अभी कर रही है रोशना, करके आ रही है, कर दिया। बाकी एक एक करके सभी लोग करेंगे। और भाई अभी पापा कर रहे हैं रोशना, और एक चीज देखो कटप्पा ठीक है, मतलब अगर बाहुबली में इनको कटप्पा बनाया जाता तो एकदम बढ़िया लगते। पता नहीं क्या मूड में आ गया, गंजिया करवा लिया। मम्मी बता रही है थाली उठा के आरती करो, बाकी भाई अभी दीदी करेगी फिर मैं करूंगा। तो भाई अभी मैं कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। नंद के नंद भये जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नितया नंद भये जय कन्हैया लाल की, हाथी दीना घोड़ा दीनो और दीनी पाल की जय कन्हैया लाल की। तो भाई घर पे पूजा हो चुकी है और अब जा रहे हैं मंदिर, तो मंदिर में सभी लोग जा रहे हैं क्योंकि मंदिर के गेट खुले हुए हैं, तो वहाँ पे पूजा हो रही है तो हम लोग भी जा रहे हैं। पहले तो ये लग रहा था कहीं गेट बंद ना हो मंदिर के, बट गेट खुले हुए हैं तो फटाफट जाते हैं और वहाँ पे भी पूजा करके आते हैं। तो भाई पूजा वगैरह हो चुकी है सब जगह, और भाई यहाँ पे भी पूजा हो गई, मंदिर में भी कराए। बाकी अब खाना वगैरह खाएंगे और बाकी टाइम होने जा रहा है, 1 बजने जा रहा है, तो खाना वगैरह खाते हैं क्योंकि भूख भी लग रही है। बाकी बहुत ही मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा दिन है, मेरे चैनल पे थोड़ी दिक्कत हो गई थी आज जब प्रभु ने जन्म लिया तो मेरा वो काम भी हो गया, तो भाई बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, बाबा कृपा ऐसे ही बनाए रखना हमेशा। तो भाई अभी चलते हैं खाना वगैरह खाते हैं। और खाना खाने से पहले एक चीज़ ये देख लो, ये कितना प्यारा लग रहा है ना, पूरा बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है भाई पूरा, है ना, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा। और पालना में बैठे हुए कन्हैया जी देख लो, दोनों कन्हैया जी हमारे कितने प्यारे लग रहे हैं। भाई अब मैं खाना खाने जा रहा हूँ, पूजा वगैरह सब अच्छे से हो गई और जैसे प्रभु हमारे घर आए ऐसे सभी के घर आए हूँ अच्छे से। बाकी अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि खाना वगैरह खाएंगे, वीडियो एडिट भी करनी है और अपलोड भी करनी है, अभी करूँगा, 1 बज चुका है। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और एक प्यारी सी कमेंट कर दे। बाकी अभी के लिए सभी भाइयों को राम राम एंड जय श्री कृष्णा।